हेलो गाइस, वेलकम टू वेलकम अपेक्स इन। कैसे आप सब लोग? आप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं XUV 300 के बारे में। वी ऑल नो दैट XUV 300 का फेसलिफ्ट वर्जन बहुत ही जल्दी मार्केट में आने वाला है। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप स्पेसिफिकली प्लान कर रहे हो नेक्सॉन का, तो क्या सच में आपको वेट करना चाहिए XUV 300 का। हम इन दोनों कारों को कंपेयर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इन दोनों कारों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, जो कि आपको हमारी वीडियो में आगे पता चलेगा कि क्यों हम इन दोनों कारों को कंपेयर कर रहे हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों कारों में मिलने वाले इंजन ऑप्शन में। तो इन दोनों कारों में आपको टर्बो इंजन ऑप्शन में देखने को मिलता है। एंड बात करूं इन दोनों कारों की पावर फिगर की, सो नेक्सॉन का पेट्रोल टर्बो इंजन प्रोड्यूस करता है 118 bhp की पावर और 170 nm का टॉर्क। एंड वहीं इसको मैं अगर कंपेयर करूं XUV 300 के इंजन से, तो XUV 300 का टर्बो इंजन प्रोड्यूस करता है 128 bhp की पावर और 230 nm का टॉर्क। तो आप देख रहे हो ना डिफरेंस पावर फिगर में, ऑन पेपर कितना डिफरेंस दिख रहा है। एंड वही बात करूं इन दोनों कारों के डीजल वेरिएंट की, तो नेक्सॉन का जो डीजल इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 113 bhp की पावर और 260 nm का टॉर्क। एंड वही बात करूं XUV 300 की, तो XUV 300 का डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है 115 bhp की पावर और 300 nm का टॉर्क। तो आप देख रहे हो ना ऑन पेपर कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों कारों के बीच में। एंड बात करूं रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में भी जो XUV 300 का इंजन है ना, वो ज्यादा आपको बेटर फील करेगा, वो ज्यादा परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। तो अगर इंजन का डायरेक्ट कंपेयर किया जाए, दोनों 3-सिलेंडर इंजन ऑप्शन के साथ आती है कार, और अगर डायरेक्ट मैं इंजन का भी कंपेयर करूंगा ना, तो आपको जो XUV 300 का इंजन है ना, वो ज्यादा रिफाइन लगेगा नेक्सॉन के कंपैरिजन में। एंड अगर आप ऐसे कस्टमर हो जिसको अपनी कार से थोड़ा परफॉर्मेंस निकालनी है, जिसको पसंद है एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार, तो भी आपको जो XUV 300 का इंजन है ना, वो ज्यादा पसंद आएगा। तो अगर बात करें सीधे डायरेक्ट इंजन के कंपैरिजन में, तो XUV 300 ना का इंजन टाटा नेक्सॉन के कंपैरिजन में आपको हर एंगल में बेटर ही नजर आएगा। तो इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो XUV 300 आपको एक बेटर इंजन ऑप्शन के साथ आती है। बात करता हूँ दोनों कारों के डायमेंशन की, तो डायमेंशन वाइज भी अगर आप देखोगे, तो XUV 300 आपको थोड़ा बड़ी दिखाई देगी टाटा नेक्सॉन के कंपैरिजन में। ये विड्थ में भी थोड़ी बड़ी है, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है, तो लेंथ आपको दोनों कारों की सेम मिलती है, बट विड्थ में आपको XUV 300 थोड़ी सी बड़ी मिलती है टाटा नेक्सॉन के कंपैरिजन में। तो विड्थ वाइज, और अगर आप व्हील बेस भी देखोगे, तो टाटा नेक्सॉन का व्हील बेस जो है वो थोड़ा कम है XUV 300 से, XUV 300 का व्हील बेस थोड़ा ज्यादा है। तो रियर में आपको थोड़ा ज्यादा स्पेस XUV 300 में मिलता है। बट वहीं बात करूं सीट कंफर्ट की, तो सीट कंफर्ट आपको नेक्सॉन में ज्यादा बेटर फील होगा कंपेयर टू XUV 300। तो जहां बात आती है स्पेस की, तो वहां पे आपको XUV 300 में ज्यादा स्पेस मिलता है, बट वहीं सीट कंफर्ट में आपको टाटा नेक्सॉन में ज्यादा अच्छा सीट कंफर्ट दिया गया है। सस्पेंशन की बात करूं, तो दोनों कारों के सस्पेंशन बहुत अच्छे ट्यून्ड है। आपको कितने भी रफ रोड्स, कितने भी खराब रोड्स में आप इनको चलाओगे, तो दोनों कारों में बहुत अच्छे सस्पेंशन ट्यून किए गए हैं। तो दोनों कारों को आप अगर आपके आसपास रोड्स कंडीशन अच्छी नहीं है, तो दोनों कारों को आप कंफर्टेबली चला सकते हो, बिकॉज सस्पेंशन आपको दोनों कारों में अच्छे मिलते हैं। बात करूं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में भी दोनों कारों को मैं पूरे नंबर दूंगा। स्टेबिलिटी की बात करूं, तो दोनों कारें काफी हद तक स्टेबल है। एंड हाईवे ड्राइव की अगर देखी जाए, दोनों कारों में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है जब भी आप चलाते हो। बॉडी रोल दोनों कारों में बहुत कम देखने को मिलता है। तो स्टेबिलिटी के पॉइंट में, स्टीयरिंग फीडबैक के पॉइंट पे दोनों कारें बराबर ही हैं। एंड दोनों कारों में आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी है एंड एक अच्छा स्टीयरिंग रिस्पांस देखने को मिलता है। एंड बात करूं दोनों कारों में मिलने वाले ग्राउंड क्लियरेंस की, तो नेक्सॉन में आपको 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, एंड वहीं XUV 300 में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो अगर बात करें थोड़ा ऑफ रोड टाइप रोड में आपको चलना होता है या जाना होता है, आपके रोड कंडीशन ऐसी हैं कि गड्ढे वड्ढे ज्यादा हैं, तो उस केस में नेक्सॉन जो है ना, वो थोड़ा ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, तो आपको बहुत इजी रहता है कैसी भी रोड कंडीशन में जाते समय आपको देखना नहीं पड़ेगा, एंड आप इजीली खराब रोड्स में भी इस कार को इजीली ड्राइव कर सकते हो। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो है वो XUV 300 में थोड़ी कम मिलती है, एंड टाटा नेक्सॉन में थोड़ी ज्यादा मिलती है। बात करें दोनों कारों में मिलने वाली सेफ्टी की, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कारें ही 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। दोनों कारों की स्ट्रक्चर क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बट एक पॉइंट है जहां मैं यहाँ पे रेज करना चाहूंगा, नेक्सॉन में जो है ना, उसका ए पिलर की वजह से थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है, स्पेशली नए ड्राइवर्स को फील होता है, वो चीज आपको XUV 300 में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा जो नेक्सॉन है, वो आपको अगर ब्रेकिंग की बात करूं,
तो ब्रेकिंग में आपको XUV 300 थोड़ा बेटर लगती है, बिकॉज XUV 300 ऑल डिस्क ब्रेक के साथ आती है, फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक आपको मिलती है। वहीं नेक्सॉन में आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। तो ब्रेकिंग वाइज भी अगर मैं देखूं तो आपको XUV 300 थोड़ा बेटर ब्रेकिंग के साथ आती है। इसके अलावा बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्सॉन में आपको काफी ज्यादा फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, काफी ज्यादा फीचर्स के साथ ये कार आती है, नए एडवांस फीचर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। एंड बात करूं XUV 300 की, तो एग्जिस्टिंग वेरिएंट में फीचर्स की कमी है, वी ऑल नो दैट। इंटीरियर भी एग्जिस्टिंग वेरिएंट का बहुत आउटडेटेड फील होता है, बट फेसलिफ्ट आते ही ये सब दूर कर दिए जाएंगे। फेसलिफ्ट में आपको नए फीचर्स भी मिलेंगे, इसके साथ साथ एक नया बेटर इंटीरियर भी देखने को मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट फेसलिफ्ट वर्जन में दूर कर दिया जाएगा। सो गाइस अब बात करूं सबसे मेन रीजन की, जिस वजह से XUV 300 थोड़ा पीछे रह जाती है अपने कंपटीशन से, वो है इस कार में मिलने वाले बूट स्पेस का। इस कार में बहुत कम बूट स्पेस मिलता है, मैं एग्जिस्टिंग वेरिएंट की बात कर रहा हूं। तो एग्जिस्टिंग वेरिएंट में बूट स्पेस जो है ना वो बहुत कम है, इस कंपटीशन से अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे कम बूट स्पेस ऑफर करती थी ये कार, एंड यही एक रीजन था जिस वजह से इस कार की सेल्स बहुत डाउन जाती थी। लेकिन अब न्यू फेसलिफ्ट वर्जन में इसके बूट स्पेस को इंक्रीज किया गया है, बट आई एम नॉट श्योर इस वजह से इन्होंने व्हील बेस कम किया है या कैसे किया है, बट बूट स्पेस थोड़ा सा बड़ा है। कितना बड़ा है क्या बड़ा है वो जब कार लॉन्च होगी तब पता चलेगा, बट बूट स्पेस को इंक्रीज किया गया है। एंड ये सारे पॉइंट्स जो हमें एग्जिस्टिंग XUV 300 में कमियां लग रही थी वो इसके फेसलिफ्ट वर्जन में दूर कर दी गई हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा ओपिनियन ले, एंड अगर आप प्लान कर रहे हो, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोनों कारों की माइलेज का, तो दोनों कारों में आपको सिमिलर टाइप ऑफ ही माइलेज देखने को मिलती है। और अगर आप एक सोच रहे हो माइलेज ओरिएंटेड कार, तो ये दोनों कारें माइलेज ओरिएंटेड कारें नहीं है, इसमें आपको इतनी अच्छी माइलेज निकाल के ये कारें नहीं देंगी। अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हो तो डेफिनेटली आप XUV 300 की तरफ जाओ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस कार की। तो परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों कारें अच्छी हैं, बट माइलेज प्रॉस्पेक्ट से अगर आप कोई कार देख रहे हो तो ये कार आपके लिए सही नहीं है। तो ये पॉइंट है। एंड मेरे अगर आप ओपिनियन पूछोगे तो मेरे हिसाब से अगर आप प्लान कर रहे हो अभी नेक्सॉन लेने का, तो आपको XUV 300 का वेट डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज बढ़िया ऑप्शन है ये, अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है, सेफ्टी आपको मिलती है इस कार में, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ही कार आती है, पूरी सेफ्टी आपको इसमें मिलती है। एंड इसके अलावा फीचर्स और जो इंटीरियर की बात जो हमें लगता था कि पहले एग्जिस्टिंग वेरिएंट में नहीं है, वो भी दूर कर दी गई है। तो डेफिनेटली इस कार का वेट करना बनता है। एंड अगर आप प्लान कर रहे हो नेक्सॉन लेने का, तो थोड़ा सा वेट करो, ये कार जल्दी इंडियन मार्केट में आएगी। बट एक चीज को लेके मेरे को अभी भी थोड़ा डाउट है कि वेटिंग पीरियड कितना रहेगा इस कार्स में, बिकॉज वी ऑल नो महिंद्रा की कार्स का वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक पॉइंट है, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट वेट करना बनता है इस कार का, बिकॉज बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये कार अगर आप सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कोई कार ढूंढ रहे हो, तो इस कार का वेट करना डेफिनेटली बनता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।